बैक टू माई चैनल। मैंने है अग्रवाल और आज बनाने जा रही हूँ मैं छोला भटूरा। और आप लोग को मेरा केक कैसा लगा, उसमें मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाया था, मैंने वो ब्लॉग डाल दिया अगर आप लोगों ने देख लिया हो तो। और बस मैं किस तरह बनाती हूँ और सिंपल सा रहता, खीरे का जीरा राइस छोला, छोला मैं किस तरह बनाती हूँ किस ट्रिक से वो आप देखिएगा। तो बस मैं जा रही हूँ भटूरे का आटा सानने और मैं आधा किलो आटा ले लूँगी और मैंने 1 किलो मंगा के रखा था। मैं इसमें डालूंगी रिफाइंड, थोड़ा सा सोडा और दही, इन तीनों को मिला के मैं सान लूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि दही से ही अपना पूरा भटूरे का आटा मैं सानूं, बट दही थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी मिलाऊंगी, मिक्स करूंगी और बस मैं इसको एकदम मुलायम सा सानूंगी, कड़ा बिल्कुल नहीं। आप जितना मुलायम भटूरे का आटा सानिए उतना ही अच्छा होता है। तो बस इसको मैं अच्छी तरह, तो बस मेरा आटा हो गया, मैं इसको ढक के रख दूँगी 2 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको ओवन को प्रीहीट कर, मतलब ओवन को आप 1-2 मिनट चलाइए और उसमें ढक के रख दीजिए, तो भी आपका बहुत अच्छे से आटा खमीर उठ जाएगा। अगर आपको कभी टाइम ना हो तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ अपने ओवन को ऑफ कर दीजिएगा, बस अंदर वो गर्म हो जाए तो आप उसमें बस ढक के रख दीजिएगा। अगर कभी आपके पास टाइम ना हो तो 15 मिनट आप रख सकते हैं। तो बस अब हम कर रहे हैं ग्रेवी की तैयारी, और जिसके लिए 2 से 3 हम लोग लच्छेदार प्याज कट करेंगे। और आज मैं दूसरी तरह से छोले की तैयारी करूँगी, मतलब उसके जो ग्रेवी की मैं तैयारी दूसरी तरह से करूँगी वो आप देखिएगा मैं क्या करूँगी, कि पहले प्याज को लच्छेदार कट करूँगी और उसको तल लूँगी। और बस मैं ये जा रही हूँ अपने छोले को उबालने, 2 से 3 सीटी लगी क्योंकि ओवरनाइट नाइट मैंने इसको भिगो दिया था। तो बस मैं छोले में डालूँगी थोड़ा सा सोडा और नमक और मैं इसको 3 सीटी लगने तक रखूँगी। और बस जैसे 3-4 सीटी लग जाएगा मैं छोले को हटा दूँगी क्योंकि ये अच्छी तरह गल जाएगा। और बस मैं इधर कढ़ाई में कर रही हूँ, मैं डालूँगी मस्टर्ड ऑयल जिसमें मैं प्याज को तलूँगी। तो बस मैंने आधा प्याज ही पहले लाल किया क्योंकि जल्दी हो जाए और अच्छे से सारा प्याज लाल हो जाए। तो बस मेरा आधा प्याज लाल हो गया है और आधा प्याज मैं फिर से लाल करूँगी।
तो बस मेरा प्याज अब हो गया है लाल, और बस इधर ये खीरा क्या मैं बनाऊंगी, सिंपल सा रायता, दो खीरे का रायता बनेगा और दो खीरा सलाद में यूज होगा, और थोड़ा सा लच्छेदार हम लोग नींबू डाल के, नींबू और सिंपल सा नमक डाल के प्याज खाते हैं जो छोले से बहुत अच्छा लगता है, वो मैं बनाऊंगी। बस मेरा ये प्याज हो गया है, मैं इसको ठंडा होने के लिए मैंने इसको रख दिया, और बस थोड़ा सा लहसुन, मतलब होगा 8-9 लहसुन की कलियाँ, उसको मैं थोड़ा सा तल लूँगी। हर चीज़ पकी हुई हो, जैसे कि प्याज मैंने तल लिया, लहसुन तल लिया, और टमाटर को मैंने अवन में रख दिया 2 से 3 मिनट के लिए कि वो भी अच्छे से पक जाए, भुन जाए, और इन तीनों को मैं अच्छे से पीस लूँगी। और ये मैं बना रही हूँ जीरा राइस, जिसमें मैंने डाला 3 से 4 चम्मच देसी घी, और ये मेरा लहसुन हो गया, मैं उसे प्याज में ही निकाल रही हूँ। और बस घी मैंने इसमें डाल दिया था, मैंने इसमें डाला जीरा, थोड़ा सा नमक, क्योंकि छोले में नमक होगा तो जीरा राइस में वैसे भी थोड़ा सा नमक डालना चाहिए। और ये डायरेक्ट मैंने राइस भिगो के रखा था, और मैं ये जो डेली राइस यूज करती हूँ मैं वही राइस बना रही हूँ, मैं लंबी वाली राइस बिल्कुल नहीं बना रही हूँ क्योंकि उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा था, और ये राइस बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत अच्छा बना था, तो मैं बस सिंपल सा जीरा राइस बना रही हूँ। तो बस मेरा प्याज हो गया है ठंडा, और ये टमाटर भी हो गया है, और इसमें लहसुन, इन तीनों को मैं एक साथ पीस लूँगी। और जो तेल में मैंने प्याज तला था उसी तेल में मैंने डाला तेज पत्ता और जीरा, और सूखी मिर्च होती है लाल, सूखी लाल मिर्च को मैंने तोड़ के डाला है 2 से 3, और बहुत अच्छा लगता है। आप छोले में इस तरह डालिए मिर्ची को तोड़ के, तो एक अलग ही टेस्ट आता है। और ये बैटर जो मैंने पीसा है वो मैं डाल दूँगी, और इसको 2 से 3 मिनट में भूनूंगी, बस मेरा मसाला रेडी हो जाएगा। मैंने इसमें डाल दिया नमक,
धनिया पाउडर 3 से 4 चम्मच, हल्दी और गरम मसाला 2 चम्मच। वैसे मैं छोले मसाले भी डालती हूँ, बट आज मैंने डाला नहीं। कभी कभी थोड़ा सा डाल देती हूँ, एक अलग ही फ्लेवर आता है उसका, लेकिन आज मैंने नहीं डाला। तो बस अब हम लोग बना रहे हैं खीरे का रायता। खीरा को हमने कद्दूकस कर लिया है और बस उसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर, और ये भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर है, और काला नमक। आप कोई भी रायता बनाइए, कुछ बनाइए, उसमें काला नमक डालिए, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा हम सादा नमक डालेंगे, जिससे मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए, अगर कम लगे तो। बस ये मेरा सिंपल सा रायता हो गया है। तो बस उसी चने में मैं अपना ये ग्रेवी डाल दूंगी और एक सीटी लगा दूंगी, जिससे कि ग्रेवी चने में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। बस मैं एक ही सीटी लगाऊंगी, क्योंकि चना मेरे अच्छी तरह गल गया है। और मैं कभी कभी छोले मसाले भी डालती हूँ, बट आज मैंने डाला नहीं। तो नेक्स्ट टाइम कभी मैं छोले बनाऊँगी तो मैं छोले मसाले भी डालती हूँ, उससे एक अलग ही टेस्ट आता है। बट ऐसे ही मेरा छोला बहुत टेस्टी बनता है। तो बस मेरा छोला बन के हो गया है रेडी, और अब मैं कर रही हूँ भटूरे की तैयारी। और मेरी नंद आई है, वो भटूरा नहीं खाती क्योंकि ऑयली होता है, तो उनके लिए मैं बनाऊँगी रोटी। और इधर मैं छोटी ही कढ़ाई में भटूरा तलती हूँ, क्योंकि इतनी जल चुकी है, तो ज़्यादातर मैं एक होती है गहरी भी है, अच्छे से बन जाता, तो मैं इसमें ही बना रही हूँ। और मेरा जीरा राइस भी बन गया, एक सीटी हो गया था, मैंने उसको भी साइड कर दिया। और मेरी देवरानी लगा रही थाली, बस मैं बना रही हूँ भटूरा। और तो बस ये मेरी कंप्लीट हो गई है थाली। भटूरा हमारे यहाँ थोड़ा सा लाल लाल पसंद है, तो मैं लाल कर देती हूँ। और ये है नींबू वाला प्याज, बस मैंने उसमें सिंपल सा नींबू नमक डाला था, और ये रायता। तो बस कंप्लीट थाली मेरी तैयार हो गई है, और सबको बहुत तेज़ भूख लगी थी क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। तो
बस। और ये है जीरा राइस, और ये मैंने लंबे वाले चावल नहीं यूज किए, जो मैं डेली यूज करती हूँ वो चावल ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने उसका ही बनाया था। तो बस मेरा ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। तो ओके, टाटा बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। ओके बाय।